अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 422 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड फाइनल गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्जाम में 80% मार्क्स ईजिली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूं, आप लोग अपनी पास्ट असाइनमेंट को लाजमी प्रिपेयर किया करें। पास्ट असाइनमेंट जो रिसेंट ही अभी आप लोगों ने सबमिट करवाई है, उनके 10 क्वेश्चन हैं, उसको भी देखा करें। और इसके साथ साथ लास्ट 5 ईयर के पास्ट क्वेश्चन पेपर, उनको भी लाजमी प्रिपेयर किया करें, क्योंकि आपको एग्जाम इन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का तारुफ पेश करें, नेज़ कुतुब खानों में इसकी अहमियत व फादियत उजागर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्द बंदी क्या है, जल्द बंदी की ज़रूरत व अहमियत, फैसला साजी और इकसाम बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मुबादला मतबूआत, मवाद की इकसाम और मुबादला के ज़राए लिखें, नेज़ मवाद की दर्जा बंदी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तलीमी कुतुब खानों में इंतखाब कुतुब का तारुफ पेश करें, इंतखाब का तरीकाकार और असूल पर तफसील से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किताबों का दाखिला रजिस्टर में कौन कौन सी मालूमात दर्ज ज़ैल होती हैं, तफसील से बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्जा बंदी कुतुब खानों में क्यों ज़रूरी है, मकासद और बुनियादी हदोखाल बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर किताबी मवाद की तरीफ करें, कुतुब खाना में अहमियत वफादियत और नुकसान बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रसाइल व जराइद की तरीफ करें, इनकी नुमाया खसूसियत बयान करें, नेज़ इनकी इकसाम पर रोशनी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइब्रेरी रेट्स क्या होते हैं, इसके तरीकाकार और कीमतों की तस्दीक के तरीके बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अथॉरिटी फाइल से क्या मराद है, नेज़ अथॉरिटी फाइल फासला बंदी की अहमियत वाजिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, DDC और यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम का तकाबली जायजा पेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, रोजनामचा नवेसी क्या है, बही खाते की अहमियत और रोजनामचे से मुतल्लिक तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दाखिला रजिस्टर से क्या मुराद है, नेज़ किताबों का दाखिला रजिस्टर में कौन कौन सी मालूमात दर्ज होती हैं, बयान करें। वीडियो में आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करने जा रही हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि आप लोग जब भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो कम अज़ कम 30 मिनट पहले या 10 मिनट पहले लाजमी जाएँ। इससे ये है कि जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप लोगों को जो जवाबी कापी मिलती है उस पर आप लाइनिंग कर सकते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वॉच का यूज़ लाजमी किया करें, क्योंकि इस तरह आप लोगों ने 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन करने होते हैं उनको इक्वल टाइम देने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इस तरह ये है कि 5 क्वेश्चन है, उनको 3 घंटे में आप लोगों ने इक्वल टाइम में डिवाइड करना है, तो आप लोगों के पास वॉच होगी तो आप उसकी मदद से इजीली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे और हर क्वेश्चन को एक जितना टाइम देना है। और जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उनको फर्स्ट नंबर पर अटेम्प्ट करना है और लास्ट पर वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं आते। लेकिन स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, अगर स्किप कर देंगे आपकी नंबरिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जो नहीं आते उनको करने का तरीका ये है कि जो आप लोगों ने तैयारी तो की होती है, आप लोगों को पता होता है हमारा कोर्स इसके रिलेटेड है, तो आप लोगों ने ये करना है कि उसके रिलेटेड पॉइंट जो उनसे हेडिंग देकर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है।
ठीक है। और हेडिंग का यूज़ आप लोगों ने लाजमी करना है, और कम से कम 15 से 20 हेडिंग एक क्वेश्चन में लाजमी आप लोग करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने पेजेस पर होना चाहिए, कम से कम 4 पेजेस पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके क्वेश्चन में एक जान पैदा हो जाती है, नीट एंड क्लीन लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। पेपर चेकर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो आपका पेपर चेक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये है कि अगर आप लोग अपना क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो आपके नंबरिंग पर बहुत ज़्यादा इसका मार्जिन जो उनसे ना गलत पड़ेगा, ठीक है। लिहाजा कोशिश करनी है कि आप लोगों ने स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। नीट एंड क्लीन करना है और हेडिंग के साथ, ठीक है, मार्कर का यूज़ लाजमन करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ तैयारी करते हुए ये है कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाहद यूनिवर्सिटी है जो आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, यानी कि आपकी बुक में से ही मवाद जो उनसे है ना वो ऐड करते हैं, ठीक है। जो आपकी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आउट ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करते, ठीक है। आपकी बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो जो उनसे हर साल रिपीट हो जाते हैं, कोई ना कोई रिपीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग इस तरह से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली हासिल कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। जामियाती कुतुब खानों का तहकीक में करदार पर तफसीली नोट लिखें, एक अच्छे क्लीनिंग की खूबियां, मकसद और इकसाम बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इंतहाबे कुतुब से क्या मराद है, इंतहाबे कुतुब के मुख्तलिफ मराहिल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मुदज्जा ज़ैल पर नोट लिखें, इसमें एग्जाम को मद्देनजर रखकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तशकील दिए गए हैं जिनमें शेल्फ के फायदेमंद अहमियत, नेक्स्ट है बजट की इकसाम, नेक्स्ट है कुतुब खानों के मालियाती ज़राए, नेक्स्ट है कुतुब इंतहाबी कुतुब के अमूमी असूल, नेक्स्ट है मुबादला कुतुब व रसाइल, नेक्स्ट है हसूल मवाद की अहम सरगर्मियाँ, नेक्स्ट है एडिशन, नेक्स्ट है माइक्रोफिश, नेक्स्ट है फिल्म स्ट्रिप, नेक्स्ट है तलब नंबर, नेक्स्ट है किताब कार्ड, नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी की अहमियत व अफादियत, लास्ट पर है गोशवारा तत्बीक तैयार करने के तरीके। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 422 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फाइनल गेस्ट पेपर शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और लास्ट में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।